तो गाइस एक हाइस्ट पर बनी फिल्म हिंदी डब में आई है। मनी हाइस्ट से कंपेयर मत कर लेना क्योंकि मनी हाइस्ट का लेवल अलग है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है। हिंदी डबिंग ठीक ठाक से की गई है और हाँ आपको इसमें किस सीन देखने को मिलता है इतना चलेगा, तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसे कुछ भी गंदा नहीं है। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो की कहानी आखिर कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक औरत और एक आदमी को दिखाया गया है जो कि चोर होते हैं एंड दोनों मिलकर चोरी करते हैं। तो वह चोरी करने का प्लान किस तरह बनाते हैं, उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एंड इस बीच उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आपको जब चोर है तो पुलिस भी होगा तो पुलिस क्या करता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म 1999 में आई थी पर हाल फिलहाल में इसकी हिंदी डबिंग आई है। तो 1999 के समय के हिसाब से तो फिल्म अच्छा है पर आज के समय के अनुसार फिल्म सूट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे हाइस्ट पर बने फिल्म देख लिया है, चोरी पर बने फिल्म देख लिया है, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म देख लिया है। तो ये फिल्म इतना मजा नहीं देती है। जिस समय फिल्म आई थी 1999 में उस समय मजा देती, पर आज के समय में इतना मजा नहीं देती है। हाँ कुछ कुछ मूवमेंट जिसमें दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, देखने में अच्छा लगता है, पर ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो ये ठीक ठाक सी एवरेज सी फिल्म बनकर रह जाती है। एक्शन इसमें आपको जरा से भी देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है बस, एक्शन इसमें देखने को आपको नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा इसमें आपको ड्रामा देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक सा है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। और जिस तरह से इसमें चोरियों को दिखाया गया है, प्लान को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है वह सब ठीक ठाक सा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है। क्योंकि जिसने मनी हाइस्ट देख लिया है या चोरी वाला फिल्म आज के जमाने वाला देख लिया है तो उस ऑडियंस को ये फिल्म एवरेज सी लगेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्टिंग सभी ने बहुत ही बढ़िया की है, प्रोडक्शन क्वालिटी आपको ठीक ठाक सा देखने को मिलता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि फिल्म मतलब एवरेज सा है, ठीक ठाक सा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा। हाँ यदि आपके पास कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है और आपको चोरी वाला फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसे देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन को कम करके, पर मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।